एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज इडली। काफी हेल्दी और काफी टेस्टी बनके तैयार होगी ये। इसमें आप जो भी सब्जियां पसंद करते हैं वो डाल के आप इसे बना सकते हैं। और ये इडली चावल के आटे से बनी है। इसे आप चटनी के साथ या फिर आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप चावल का आटा लिया है और अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी गाजर ले रही हूँ जिसे मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था। थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़े से कटी हुई धनिया, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, थोड़े से यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद पानी डाल के इसका बढ़िया सा बैटर तैयार करेंगे। इस रेसिपी की यही खास बात है कि आप इसमें जो भी मनचाही सब्जी आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, आप इसके अंदर मटर भी डाल सकते हैं, मतलब जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, तभी ये काफ़ी हेल्दी और काफ़ी टेस्टी बनके तैयार होती है। तो ये देखिए, ये बढ़िया सा बैटर बनके रेडी हो चुका है। अभी इसे एक साइड पर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे ढक के रख देती हूँ। जब 10 से 15 मिनट हो जाए, आपका बैटर अच्छे तरह रेस्ट कर ले, तब आप देखेंगे कि बैटर कुछ हद तक गाढ़ा हो गया है। तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल के इसे पूरी तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। बैटर को आपने ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। और बस अब हम लास्ट में, मैं यहाँ पर इनो की एक पैकेट डाल रही हूँ ताकि ये बढ़िया सा फूल जाए। तो यहाँ पर मैंने पूरी एक पैकेट इनो की डाल दी है और ये देखिए, ये साथ के साथ एक्टिवेट भी हो गया है। अब इसे कुछ सेकंड चलाकर मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम बैटर को इडली मेकर में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इडली मेकर की ट्रे को पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ है, तो बस अब हम सिंपली इसमें बैटर डाल देंगे। इडली मेकर की सारी ट्रेज के अंदर हम बैटर को डालेंगे। ट्रे में बैटर डालने के बाद थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए क्योंकि फूलने के लिए भी इसे जगह चाहिए। अब इसे हम माइक्रोवेव करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले इसे 5 मिनट के लिए लगाऊंगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 मिनट के लिए हम और टाइम बढ़ा देंगे। 6 मिनट में ये इडली बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। और इसी के साथ ये वेज इडली तैयार हो चुकी है। मैंने इसे यहाँ पर टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको इसी तरह के एक नए वीडियो में।